अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ अचीव कैसे कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत कम अचीव कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर और सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसका सिंपल आंसर है, उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो, उन चीज़ों को करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जो सच में करना इम्पॉर्टेंट है उसे करना शुरू कर दो। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द वन थिंग बुक समरी शेयर कर रहे हैं जिनमें सीखेंगे कि कैसे आप कम काम करके ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपकी वन थिंग क्या है और कैसे आप बाकी काम छोड़ के अपने वन थिंग पर फोकस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं द वन थिंग बुक समरी। ऑथर कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होगा। लोगों की मैंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं कम काम करने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए हैं? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं? द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो हमें कम समय में ज़्यादा काम खत्म करने और टाइम पर कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। वट इज़ द वन थिंग? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया है। फिर वह क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते तो वह इन तीनों में से किसी एक चीज़ के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जा सके। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, कभी इंजीनियर बनने का करता होगा। अब खुद से साफ साफ पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वहीं हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की यह वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। द डोमिनो इफेक्ट, एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को ले, फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दें तो 23rd डोमिनो आइफल टावर से भी बड़ा होगा, 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा, 57th डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा।
मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो आप अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा काम करो, ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है, उन्होंने टाइम के साथ ये सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, वो टाइम के साथ डेवलप होती हैं। जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं, बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशली बिल्ड होती है। 6 lies between you and success। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं, जिनको हम सभी सच मानते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए उन रास्तों पर चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हीं 6 झूठ की वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। 1st, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं, तब हमें लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं, तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 2nd, सारे काम ज़रूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है, और कुछ ऐसे जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी ज़रूरत अभी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऑथर हैं, आपको एक बुक लिखनी है। आपने अभी तक बुक का 1 पेज भी नहीं लिखा और आप सोचने लगते हैं कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश करवाना है, बुक का प्राइस क्या होना चाहिए। इन सब के बारे में सोचकर आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं हैं। अभी ज़रूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है, इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यह जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ कीजिए। 2nd, मल्टीटास्किंग। ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, न ही इसकी हमें ज़रूरत है। प्रूव करने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDE तक पढ़ती हूँ, तो मुझे 1.04 सेकंड्स लगते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक काउंट करती हूँ, तो मुझे 1.12 सेकंड्स लगते हैं। दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकंड्स लगते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, तब मुझे 6.48 सेकंड्स लगते हैं। अलग अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकंड्स का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकंड्स का समय लगता है। ऐसा क्यों? यह ज़्यादा टाइम किस चीज़ में जा रहा है? जब मैं ए पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ती हूँ, तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है, और फिर से 1 काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाती हूँ, तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की लाइन में किस लेटर पर छोड़ी थी। ऐसे मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग किस लिए करते हैं? हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता। जिससे होता है यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। 3rd, बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो यह काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पोर्टेंट है जब तक आपकी हैबिट डेवलप ना हो जाए। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई, तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है।
डिसिप्लिन रहने का मतलब है आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकर को स्मोकिंग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को ईजी बना देगी। सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, न कि सारे काम सही करके। ज़िंदगी में उतना डिसिप्लिन्ड होना काफ़ी है जितने से आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट, हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो, पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। सेकंड, एक बार में अपनी एक हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग्स सुपर ह्यूमंस नहीं हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा के चक्कर में कहीं आधा न हो जाए, इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। थर्ड, हैबिट्स को सफिशिएंट टाइम दो। न्यू हैबिट्स को कम से कम 66 डेज दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हो। फोर्थ, विल पावर इज ऑलवेज ऑन कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर होना ज़रूरी है। यह भी एक झूठ है, फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे फ़ोन की बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से रिचार्ज करते हैं, उसी तरह रिलैक्स करके हम अपनी एनर्जी वापस ला सकते हैं, ताकि हम फिर से काम कर सकें। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए हमको अपने ज़रूरी काम सुबह के समय ही कर लेने चाहिए। एक बार ज़रूरी काम ख़त्म हो जाएं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिफ्थ, अ बैलेंस्ड लाइफ। ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए, यह भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते, यह बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई ज़रूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें उस ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देना होता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वही जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सिक्स्थ, बिग इज़ बैड। बड़ा सोचना बुरा होता है, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है, यह भी झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो एक्शन भी छोटे लेंगे और आपको रिजल्ट भी छोटे ही मिलेंगे। द फोकसिंग क्वेश्चन। हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वह अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक साधारण ज़िंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़िंदगी जीने का सपना देखा, दुनिया भर में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण ज़िंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके काम में लाने होंगे। वह तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन, जो हमें अपने आप से पूछते रहना है। वह क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएगा, या फिर उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी लाइफ के सभी एरियाज जैसे करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज में एक ऐसी चीज़ ढूंढें जिससे आपके बाकी दूसरे काम करना आसान हो जाए, या फिर उनको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लिव विथ पर्पस एंड प्रायोरिटी। आपकी ज़िंदगी का गोल आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शन होता है, जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं।
मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिरी में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा। कौन सी एक चीज है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। द फोर थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित चार चोर हैं जो आपका समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बनाकर रखनी है। फर्स्ट, इनएबिलिटी टू से नो। वह काम या वह लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी ना कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते। ऑथर कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ करने की है, वह काम है अपनी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी कामों को ना कह दीजिए जब तक आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। सेकेंड, फियर ऑफ चाउस। चाउस का मतलब गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कन्फ्यूज़न। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए जो ज़रूरी नहीं है। उनको ना बोलने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम ज़रूरी नहीं थे। वह काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिख रहे थे लेकिन वह नहीं थे। उनसे हुई गड़बड़ी आजकल तक ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो यह लाइफ टाइम तक आपको इफ़ेक्ट करेगा। थर्ड, पुअर हेल्थ हैबिट्स, बुरी आदतें जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। आपके पास चाहे बंदूक हो, तलवार हो, चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, यानी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एक अनआर्म्ड इंसान भी आपको हरा कर चला जाएगा। अगर आपकी हेल्थ खराब ही रहेगी तो आपका पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में ही चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वह हर काम कीजिए जो आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। फोर्थ, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। ऐसा माहौल जो आपके गोल्स के लिए बाधा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ तो आस पड़ोस में ज़्यादा शोर होने लगता है, कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे ही शांत नहीं बैठते, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों तक करना पड़ता है। इस तरह मेरे आसपास का माहौल मेरी वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों, आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए, इसमें बदलाव लाइए, ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से ख़त्म कर सकें। दोस्तों, अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो Amazon से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आपकी वन थिंग क्या है जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you.